Hey guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. My name is Mansi. I hope you all are safe and doing well. To my channel, and thank you so much for showing so much love and support to my journey so far, and I'm really really grateful for that. And now let's get into our topic today. So today I'm gonna be talking about my Air India interview experience and the rounds which happened that day. सो गाइज़ मैंने एक व्लॉग डाला था एयर इंडिया इंटरव्यू का, एंड आपको वो बहुत पसंद आया एंड सो मेनी ऑफ यू कमेंटेड. एंड मेरे दिमाग में ऑलरेडी था दैट मैं वो बनाऊँगी, बट नाउ एवरीबडी नोज दैट आई एम वर्किंग अ 9-to-5 जॉब प्लस सैटरडेज वर्किंग, सो इट बिकम्स रियली वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू मैनेज टाइम, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम टायर्ड, बट लॉट्स ऑफ एक्सक्यूजेज गिवन. आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इन टू आवर वीडियो. So guys, I'm gonna keep this video very very short, and of course मैं बताऊँगी मैं select हुई और या फिर नहीं हुई ये video में. So keep watching until the end. End में ही पता चलेगा that I got selected or rejected. So as I mentioned, short रखूँगी. मैं पहले बताऊँगी कि rounds क्या क्या हुए थे, और rounds के दौरान ही मैं express करूँगी कि मेरा you know journey कैसा था. Overall I'm gonna rate my journey 9/10 because अच्छा था, वेरी सॉर्टेड, वेरी नाइस. एंड नाउ लेट्स जस्ट गेट इनटू द राउंड्स एंड द डिस्क्रिप्शन. सो वेरी फर्स्ट थिंग, आई वेंट टू मुंबई फॉर द इंटरव्यू. एज यू ऑल नो द इंटरव्यू वॉज इन विले पाले, स्क्वेयर मॉल करके है वहाँ पे. वो बहुत ही मतलब यू नो पुराना पुराना मॉल बोलते हैं ना, लाइक 15-20 ईयर्स पुराना वैसा वाला था. एंड नो स्टोर्स वर ओपन देयर, जस्ट एक या दो बड़े बड़े स्टोर्स ओपन थे. एंड लंबी लाइन थी गाइस, मोर देन 1000 क्रू वर प्रेजेंट. और मैं बहुत लेट पहुंची थी, आपने देखा था ऑलरेडी व्लॉग में, अगर देखा नहीं है तो जाके देख लीजिए. आई रीच वेरी लेट, इवन दो आई स्टार्टेड एट 8:15 और 8 AM, आई रीच देयर एट अराउंड 11 AM. एंड तब तक रजिस्ट्रेशन मतलब इट वॉज रियली वेरी माय गॉड, मतलब मुझे पूरा वो टर्न लेने में एक घंटा गया, मोर देन 1 आवर. सो द फर्स्ट थिंग वॉज रजिस्ट्रेशन. यू नीड टू ड्रॉप योर CV एंड देन यू विल रिसीव अ स्टिकर. मैं यहाँ पे डाल दूंगी, आपको कलर के स्टिकर मिलते हैं, पहले आपको ब्लू मिलेगा. और जो लाइन थी ना उसमें एक्सपीरियंस और फ्रेशर्स डिवाइड नहीं किया था, जो मेन लाइन थी आप टाइम के हिसाब से. सो आई लाइक इट वेरी नाइसली, मतलब थोड़ा क्रैंकी फील हुआ कि यार एक्सपीरियंस है तो दे दो ना थोड़ा, बट हर जगह वैसे नहीं होता है. बट व्हेन यू रीच द मेन CV ड्रॉप काउंटर, वहाँ पे बाइफर्केट हो रहा था. सो दैट वाज फाइन, ओके फेयर इनफ वाला. तो वहाँ पे डिवाइड हुआ, एक्सपीरियंस वालों का यू नो एक्सपीरियंस लेटर मांगा, वो एक हमारा यू नो कॉम्पिटेंसी कार्ड होता है जो हमको मिलता है, वो लिया था उन्होंने. एंड वी हैड टू सबमिट दैट, एंड उसके बाद वो स्टिकर मिला एंड वी हैड टू वेट. सो मैं गई आफ्टर 2 आवर्स ऑफ वेट, मतलब ट्रैवलिंग पकड़ के नहीं, ट्रैवलिंग अलग, और आफ्टर 2 आवर्स ऑफ वेट इन दैट लाइन आई सैट डाउन. और बैठते ही 10 मिनट्स में हमारा सेकेंड राउंड हुआ, एंड दैट वॉज GD राउंड. अगेन GD राउंड वॉज वेरी सॉर्टेड. जो एक ही जो मतलब पूरा ना वो ओपन स्पेस था, आई थिंक वहाँ पे फूड कोर्ट होगा. वो फूड कोर्ट में एक साइड सीटिंग एरिया किया था, और एक साइड दो ग्रुप्स में एयर इंडिया के क्रू ही GD राउंड ले रहे थे. अभी GD राउंड पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, एंड ये इसी कपड़ों में दिखेगा आपको, क्योंकि वो इसी का पार्ट 2 होगा. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एज वेल. एंड GD राउंड में हमको बिठाया, 10 गर्ल्स वर देयर, एंड वी स्टार्टेड. एंड मेरा क्वेश्चन ये था कि व्हाट वाज माय क्वेश्चन, लेट मी डार्क साइड ऑफ जंक फूड, ये हमारा क्वेश्चन था. येस, इट वॉज रियली वेरी नाइस. लड़कियाँ बोलने नहीं दे रही थी क्योंकि सारा एक्सपीरियंस क्रू का ये था, तो सब फड़ 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 बात कर रहे हैं, वेरी नाइसली, वेरी प्रोफेशनल. मतलब कतार के क्रू आए थे जो 10-12 साल एक्सपीरियंस थे, एंड सब हम एक ही लेवल पे थे. तो इट वॉज यू नो रियली वेरी चैलेंजिंग एंड यू नो काइंड ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशन, बिकॉज यू हैड टू स्पीक अप. सो आई केप्ट क्वाइट, आई स्पोक, एंड मैंने एक चीज़ बोली, वो इंटरव्यूअर को बहुत अच्छी लगी, दैट द लेडी हु वॉज टेकिंग, एंड शी अप्रिशिएटेड मी आफ्टर द GD राउंड. सो व्हाट आई सेड वॉज,
आई फील दैट, मैंने ऐसे बोला, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी. आई फील एवरीबडी हैज दैट वन कॉर्नर इन द हाउस वेयर चिप्स आर लाइंग एंड उसके बाजू में ही यू विल फाइंड अ ग्रीन टी का डब्बा. सो दैट द इंटरव्यूअर रियली रियली लाइक्ड इट एंड शी यू नो पास्ड मी फॉर द नेक्स्ट राउंड. शी क्लियर्ड माय जीडी राउंड बिकॉज आई सेड दैट एंड शी सेड दिस इज वेरी रिलेटेबल एंड इट्स एक्चुअली ट्रू. नाउ आई हैव गेन्ड वेट एंड आई हैव बीन ट्राइंग टू लूज इट. मैं ग्रीन टी वगैरह ज़्यादा नहीं पीती हूँ बट आई हैव केप्ट दैट डब्बा एंड उसके बाजू में ही लिटरली देयर आर चिप्स का पैकेट्स एंड बिस्किट्स का पैकेट. सो इट वॉज आई थिंक दैट शी फाउंड इट वेरी रिलेटेबल एंड आई ऑफकोर्स स्पोक विद अ स्माइल ऑन. सो शी अप्रिशिएटेड दैट एंड I was moved to the next round. So next round में जाने के बाद you get a yellow card, a yellow sticker I think yellow or blue card, some sticker they gave us and आया BMI tattoo and scar round. So इसमें हमारा height weight, सबसे पहले तो मेरा height और weight check हुआ. So that is BMI. Your BMI should be proportionate to your height and weight. Then there was tattoo and scar round. Okay, and उसके बाद so मेरा सब ये clear होने के बाद I went for the PI round. PI round में होता है personal interview, that is called. And उसमें भी BMI में तो हो गया, मतलब ज़्यादा कुछ था नहीं. I was even though I have gained weight but I was still under the weight criteria, मेरे height और weight के हिसाब से. So that was not a problem. And PI round में अगेन क्वेश्चन हुआ, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, योर एक्सपीरियंस, ब्ला ब्ला ब्ला. वो होने के बाद हुआ HR round. HR round में हमेशा की तरह अभी वेर आई एम वर्किंग आई हैव नोटिस पीरियड एंड यहाँ पे द थिंग वॉज आई गॉट सिलेक्टेड गाइज, आई रियली गॉट सिलेक्टेड बट आई कुडंट गेट थ्रू बिकॉज दे वर नॉट रेडी टू वेट ऑफकोर्स. क्योंकि मेरा नोटिस पीरियड यहाँ पे जो काम कर रही हूँ कंपनी में वो काफ़ी लंबा है एंड दे सेड दैट इट्स नो वरीज, आप एक काम कीजिए, यू फिनिश योर नोटिस पीरियड एंड देन यू कैन मे बी यू नो गिव ईमेल अस और आप वापस इंटरव्यू के लिए आ सकते हो. सो अनफॉर्चुनेटली मेरा एयर इंडिया में नहीं हुआ बिकॉज दे वर नॉट रेडी टू वेट फॉर मी एंड आई कुडंट यू नो इमिडिएटली लीव द जॉब विच आई हैव राइट नाउ. And again, मैंने सोचा it was for the best because I have this trip plan in December. अभी मैं जा रही हूँ last week of December to Europe again. And मुझे वैसे भी छुट्टी नहीं मिलती. So I was not kind of happy also. I was not kind of sad also. It was like ठीक है, होता रहता है. एंड लाइफ इज ऑल अबाउट ट्राइंग एंड यू नो सिल्वर लाइनिंग में देखती हूँ हमेशा. मैं गई इंटरव्यू के लिए, आई कुड मेक टू वीडियोज आउट ऑफ इट एंड आई कुड गिव यू गाइज द इन्फॉर्मेशन कि अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो एयर इंडिया के लिए सो यू नो दिस राउंड विल हैपन एंड इट इज़ फॉर द बेस्ट. एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ गुड रीजन एंड वही मैंने एटीट्यूड रखा एंड आई वॉज लाइक इट्स ओके. मैं थोड़ी सैड हुई बट इट वॉज लाइक फाइन, चलता है इतना. मतलब कुछ ऐसे ना है क्या, ये लास्ट जॉब नहीं है या फिर ये लास्ट इंटरव्यू नहीं है. अभी तक एयर इंडिया के इंटरव्यू हो रहे हैं सो आई कैन गो एनी टाइम आई वॉन्ट एंड आई कैन गो एनी टाइम, मतलब जब तक हायरिंग हो रही है तब तक आई कैन अप्लाई. सो आई न्यू दैट. सो या माई एयर इंडिया इंटरव्यू एक्सपीरियंस वॉज टॉप नॉच एंड वेरी वेरी नाइस. मुंबई में था इसलिए थोड़ा मुझे ना ट्रैवलिंग का थोड़ा इशू हुआ, मतलब आई वॉज टायर्ड एंड उसी के टाइम पे मैं थोड़ा बीमार भी थी. बट ओवरऑल मैं पहुँचने के बाद जो प्रोसेस था उन्होंने बहुत सही किया था एंड द बेस्ट पार्ट वॉज बहुत सारी लड़कियाँ आई थी एंड सो मेनी गर्ल्स आर अप्लाइंग एंड इट्स रियली नाइस टू सी एंड सो मेनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस. एज आई सेड कतार के क्रू थे, एहतियात के क्रू, मतलब ऑल ओवर यू नो ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया लड़की आई थी और इंटरव्यू दे रही थी एंड आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट एंड थैंक्स टू ऑल दिस एयरलाइन विच आर यू नो ओपन फॉर हायरिंग बिकॉज बहुत सारी लड़कियाँ कैन गेट एम्प्लॉयड, कैन स्टार्ट वर्किंग एज अ कैबिन क्रू एंड एक्सपीरियंस द जॉय ऑफ फ्लाइंग. And yeah, with this note, I'm gonna end this video here because nothing was too fancy. मतलब सारे process simple थे. Registration, मैंने एक और video बनाई है that how you can check the interview dates and venue. So go check it out and watch. अभी walk-in नहीं हो रहे तो आपको registration करने की ज़रूरत नहीं है. ये registration ऐसा है कि वहाँ जाने के बाद आपको CV drop करना है. So it is registration / CV drop round. So it is like that. आपने कतार में भी वैसे सुना होगा CV drop round होता है.
So yeah, that was it, guys. Thank you so much for watching this video. I really hope you guys enjoyed watching it. And if you haven't subscribed to my channel, go subscribe it now. Share it with your friends and family. And thank you so much for showing same love and support. You guys have been showing it to me. And with this note, I'm gonna end my vlog here. Thank you so much, guys. Bye-bye.